तो कुछ पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जानते ही नहीं हो। इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अभी सब बात काहे के लिए करते रहते हो, शांत रहो। ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं, उन्हीं के बात ना आप में से बहुत लोग जो बैठे हुए हैं उस जाति के, अब कैसे यहां पर आए और वहां से निकल करके दूसरी जगहों पर कैसे बसे। महाराणा प्रताप के बारे में भी इसको करिए और एक एक लड़के लड़कियों को ये चीज मालूम होगा तो कितना आगे बढ़ेंगे। जो उनकी भूमिका रही है उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। हम जब सांसद थे तब भी हम उन जगहों पर दो बार गए, इसलिए हम लोग तो एक एक चीज को जानते हैं। बचपन में भी इन सब बातों की जानकारी मिली थी, इसलिए हम लोग तो जानते हैं कि आखिर उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। राजस्थान के मेवाड़ रियासत में वो जन्मे थे और वीरता की अपनी विशिष्ट छाप उन्होंने छोड़ी थी। अब उसके लिए जितना वो काम करते रहे, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो भी कर रहे थे काम, उसमें समाज का सब तबका उनके साथ था, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों या किसी समाज के लोग हों, यहां तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी उनके साथ थे। तो ये उनकी खासियत थी, समाज का हर तबका उनके साथ रहा और लड़ाई तो लड़ते रहे वो, और जो भी संभव था उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और उसके बाद उनकी एक खासियत थी कि महिलाओं के पक्ष में भी थे। उनके लड़के ने उसी युद्ध में कुछ लोगों को पकड़ लिया और कुछ महिलाओं को भी पकड़ लिया। जब इनको मालूम हुआ तब उन्होंने मना किया कि तुमने महिला को क्यों पकड़ा, महिलाओं को छोड़ो, और महिलाओं को छोड़ दिया। तो सोच लीजिए, आजकल जो हम लोग महिलाओं के लिए सम्मान करते हैं, सब अति पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति सबके सम्मान के लिए काम करते हैं, हर समुदाय के लोगों के लिए काम करते हैं। तो जो कुछ भी इन्होंने किया अपने समय में महाराणा प्रताप जी ने, तो हम लोग तो उनकी बात को किस तरह से लागू कर रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग करते हैं। तो समाज के सभी तबकों को तो कुछ पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जानते ही नहीं हो। आप 20 में भी यहां नारा लगा रहे थे, छोड़ो ना इसके लिए, अब जो भी है हम तो इसके लिए। चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठो रहो। इस सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, और आप सब लोगों को मालूम है हम भी गए थे, यहीं पर हैं बैठे हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हैं। और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी, हम तो कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं। तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अभी सब बात काहे के लिए करते रहते हो, शांत रहो। ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं, बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग चूंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो खैर, अब आप निश्चिंत रहो, बैठो, अब शांत रहो। हम तो बता दिए हैं, अब काहे के लिए चिंता कर रहे हो, शांत रहो।
तो आप सब लोगों को मालूम है कि जो कुछ भी महाराणा प्रताप जी का योगदान है और जो भी उन्होंने सिखाया है, सब दिन इसको याद रखना चाहिए। समाज के हर तबके को जोड़कर चलना चाहिए। ये भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए कि सिर्फ उनका कोई जात से संबंध था, उनका संबंध सभी लोगों से था, समाज के हर तबके से था। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। अरे उन्हीं के बाद ना आप में से बहुत लोग जो बैठे हुए हैं उस जाति के, अब कैसे यहां पर आए और वहां से निकल करके दूसरी जगहों पर कैसे बसे और कितनी बड़ी संख्या में बसे, तो सब जानते हैं। अब भामा शाह का भी जो उनको मदद मिला, तो भामा शाह ने जो मदद किया, और भामा साहब जैन धर्म के थे, और आपको मालूम है उसी समय जैन धर्म वाले भी बहुत लोग आ गए बिहार में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर सब की इज्जत की जाती है और सब अपने ढंग से काम करें। लेकिन हम तो यही बात कहेंगे, राजनीति की बात हम कभी नहीं कहेंगे। उनको तो जो अच्छा लगे वही करें, जिसको मन करे उसका समर्थन करें, उसके लिए सबको आजादी है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि आपस में प्रेम का भाईचारा रखिएगा, समाज के अन्य तबकों के साथ भी जरूर एकजुटता पैदा करिएगा, दोस्ती पैदा करिएगा, महिलाओं का सम्मान करिएगा। और आज आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए जो हमने काम शुरू किया है, अब कितनी बड़ी संख्या में जीविका दीदियां हुई। पहले कितने कम लड़के लड़कियां पढ़ रही थी, अभी पढ़ रही थी, और उसी के चलते ये जो आबादी बढ़ रही है। प्रजनन दर कितना था जी, 4.3 2005 में, और लड़कियों का जो हमने सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो दुनिया भर में प्रजनन दर देखा गया उस परिवार का 2 था, और बिहार में भी पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी उसका भी प्रजनन दर 2, और मैट्रिक से भी आगे पास है, इंटर पास से आगे है। तो देश का जो पता चला प्रजनन दर 1.9, और बिहार में वो सर्वे कराए तो देखा कि प्रजनन दर अगर महिला पढ़ी हुई है इंटर और उससे भी आगे तो प्रजनन दर 1.6। और उसी समय से जो हमारी खुशी हुई है, जो हम इतना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ा करके और सब कुछ कर रहे हैं, तो आखिरकार आप सोच लीजिए कि आप जो है महाराणा प्रताप साहब ने लड़की को गिरफ्तार किया, लड़के को मना किया, महिलाओं के साथ ये सब काम मत करो, और हम लोग देखिए महिलाओं के लिए कितना कर रहे हैं। अब मालूम है ना कि हम लोगों ने पंचायती राज चुनाव में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया, आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और उसके बाद आपको पता है ना अब कि हम जो लड़कियों को पढ़वा रहे हैं, तब जान लीजिए जो हम प्रजनन दर की चर्चा कर रहे हैं, अब वो प्रजनन दर 4.3 से घट रहा है, अब आ गया है 2.9 पर। हम लोग पूरे चक्कर में हैं, ये काम होता रहेगा सीधे वो 2 पर आसानी से आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते रहता है ना कि कानून बना के प्रतिबंधित करो कि एक परिवार में 2 से ज्यादा नहीं पैदा करेगा। कानून बनाना बहुत बुरी चीज है, वो गलत बात है, लेकिन ये काम करना हम लोग कितना कर रहे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि अगर सचमुच आप महाराणा प्रताप के बारे में सोचिएगा तो समाज के हर तबकों का जो उत्थान करते थे, और वही सब काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। तो यही कहेंगे खाली महाराणा प्रताप जी का के चीज को आप पर मत, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है, हम तो इनको कहेंगे भाई कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं उसके साथ साथ उन्होंने जो सबके लिए काम किया और उनका जो सब लोगों ने साथ दिया, इसलिए इसके बारे में सब जगह
एक एक गांव और एक एक जगह पर उसको छपवा के लोगों के बीच में करवाइए। जैसे हम लोग बापू के बारे में एक एक बात करते हैं, उसी तरह से महाराणा प्रताप के बारे में भी इसको करिए, और एक एक लड़के लड़कियों को ये चीज मालूम होगा तो कितना आगे बढ़ेंगे, और आप लोग जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो आप लोग भी कितना आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़िएगा और बहुत आगे तरक्की करिएगा। तो इसलिए अब महाराणा प्रताप जी का तो जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग मनाएंगे, लेकिन अभी जो भी कह रहे हैं हम लोग तो इन बातों को अब बच्चे बच्चियों का और स्कूलों में भी अब हम इस बात को प्रभावित करेंगे कि उन्होंने कितनी बातों को किया, और सब लोगों को इसकी जानकारी देंगे तो घर घर में एक एक बात की जानकारी रहेगी, तो सब लोग इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग यही सब सोच करके ये सब काम कर रहे हैं, तो आप सब लोग मिल करके चलिएगा और समाज में जरूर प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। कुछ लोग गड़बड़ करने में रहता है, कुछ लोग चक्कर में रहता है कि झगड़ा करा दो, हिंदू मुस्लिम में भी थोड़ा झगड़ा करवा दो, ये सब जो झगड़ा कराना चाहता है वो बहुत बुरा चीज है, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों ने जो हमको 2005 से काम करने का मौका दिया है, तो अब कितना ज्यादा झगड़ा घट गया है, हिंदू मुस्लिम का विवाद कितना घटा है और किस तरह से अब झगड़े घट गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो चक्कर में रहेंगे कि करवा दो कुछ झगड़ा, तो इस सबको होने मत दीजिएगा, और समाज में जब एकजुटता रहेगी समाज आगे बढ़ेगा। और आज आप देख न रहे हैं सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम महिलाओं की जो हम चर्चा करते हैं तो हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या नहीं किया। अब जानते हैं ना कि पुलिस में जो बहाली होती है तो हम लोगों ने तो कर दिया कि 35% महिलाएं रहेंगी, और अब आप समझ लीजिए कि ये हमने जो शुरू किया 13 के बाद तब तो 28% पर पहुंच गई है, और बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं किसी भी दूसरे राज्य में और ज्यादा पुलिस है, इतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है। हर चीज का काम हम लोग कर रहे हैं, एक एक चीज का काम हम लोग करवा रहे हैं, सरकारी सेवाओं में सब जगह महिलाओं को कम से कम 1/3, और ये सब काम कर रहे हैं। अब इंजीनियरिंग में हम मेडिकल में भी जो पढ़ने के लिए उसमें भी हमने कम से कम 1/3 कर दिया है। अब कितनी महिलाएं पढ़ रही हैं, आज सब पढ़ेंगी हैं? क्या नहीं हुआ, इधर आओ ना भाई, यहां आओ, आपको कोई माइक है कि पता चल रहा है, इधर आइएगा बता दीजिएगा क्या आपकी समस्या है। तो खैर, तो एक एक जगह हम लोगों का ये प्रयास है, तो इसलिए सब लोग आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से लड़का हो या लड़की सबको पढ़ाने के लिए प्रेरित करिए, और सब लोग एकजुट होकर के आगे चलेंगे तो ऐसा ही होगा, तभी सही मायने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेंगे और उसी तरह से महाराणा प्रताप के सपनों को साकार करेंगे। मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे, राज्य भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और लेकिन मैं पुनः दोहरा करके कहता हूं कि उनकी बात को घर घर तक पहुंचाने वाला काम सब लोगों के घर में पहुंचा दीजिएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत आगे। आज जितने लोग हैं मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आपके कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, अगर घर घर पहुंचा दीजिएगा तो आगे कार्यक्रम करिएगा तो और ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, कार्यक्रम आयोजित करने वाले को मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।